अकाल। जय हिंद। मैं आपका अपना अमित राजनवाल हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल आई एम राजनवाल। दोस्तों, न्यूट्रिएंट एनालिसिस इन सॉइल सैंपल्स की सीरीज के फोर्थ एपिसोड में आज हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ सॉइल अवेलेबल फास्फोरस के बारे में। सॉइल अवेलेबल फास्फोरस का क्या प्रिंसिपल होता है, किन किन रिएजेंट्स की आपको जरूरत पड़ती है, स्टेप बाय स्टेप इसके एनालिसिस का क्या प्रोसीजर होता है, और लास्ट में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आप अवेलेबल फास्फोरस का कैलकुलेशन करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में अंत तक और चलते हैं लैब की तरफ और दिखाते हैं आपको किस प्रकार से हम सॉइल अवेलेबल फास्फोरस का एनालिसिस। पहले हम बात करेंगे कि अवेलेबल फास्फोरस सॉइल में एनालिसिस करने के लिए क्या प्रिंसिपल होता है। तो जिन सॉइल्स के अंदर फास्फोरस की जो मात्रा है 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर से कम होती है, लेस देन 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर होता है, ऐसी सॉइल्स लो इन फास्फोरस कहलाती है। जिन सॉइल के अंदर फास्फोरस की मात्रा 11 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है वो मीडियम इन फास्फोरस कहलाती है, और जिन सॉइल्स के अंदर फास्फोरस की मात्रा मोर देन 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है ऐसी सॉइल्स हाई इन फास्फोरस कहलाती है। ये सॉइल के अंदर जो फास्फोरस है वो ऑर्थो फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। इसका एक स्मॉल फ्रैक्शन ही जो है हमारा वो प्लांट्स को अवेलेबल होता है। सॉइल्स के अंदर फास्फोरस जो है वो मेनली हमारा एल्यूमिनियम बाउंड फास्फोरस, आयरन बाउंड फास्फोरस एंड कैल्शियम बाउंड फास्फोरस के रूप में पाया जाता है। ये जो दोनों होते हैं एल्यूमिनियम एंड फास्फोरस बाउंड, ये मेजरली एसिड सॉइल्स के अंदर पाया जाता है, और ये हमारा अल्कलाइन एंड कैल्केरियस सॉइल्स जो होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। समय समय पर बहुत सारे रिसर्चर्स ने फास्फोरस एनालिसिस के लिए बहुत सारे मेथड्स दिए हैं, जिनमें स्टार्टिंग फ्रॉम डायर्स 1% पेट्रोक्लोरिक एसिड से लेकर के और कई सारे मेथड्स डेवलप किए हैं। लेकिन इन जितने भी मेथड्स में सबसे ज्यादा जो मेथड्स यूज हुए हैं वो सबसे पहले डेवलप किया था ब्रेज ने, वो एसिड सॉइल्स के लिए डेवलप किया था, और ऑल्सन एंड कोवर्कर्स ने डेवलप किया था हमारी अल्कलाइन एंड कैल्केरियस सॉइल्स के लिए। तो ये जो ऑल्सन वाला मेथड है इसमें हम क्या करते हैं कि 0.5 मोलर सोडियम बाइकार्बोनेट एट पीएच 8.5 ये हम यूज करते हैं एनालिसिस के लिए। ये सबसे ज्यादा मतलब एक्सेप्टेबल मेथड है जो कि न्यूट्रल टू अल्कलाइन सॉइल्स के अंदर यूज किया जाता है, और ब्रेज ने जो मेथड डेवलप किया था वो एसिड सॉइल्स के अंदर डेवलप किया था। रिएजेंट इज मोस्ट सुटेबल फॉर न्यूट्रल टू अल्कलाइन सॉइल्स एंड इज डिजाइन टू कंट्रोल द आयोनिक एक्टिविटी ऑफ कैल्शियम थ्रू सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दस एक्सट्रैक्टिंग द मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस एल्यूमिनियम आयरन एंड कैल्शियम फॉस्फेट्स। फॉस्फोरस इन द एक्सट्रैक्ट can be determined using a suitable method of color development and measuring the color intensity at an appropriate wavelength. तो ये था principle दोस्तों, जिसमें हम mostly जो है हमारा जो method Olsen ने develop किया था ये widely accepted method है। अब हम आगे बात करेंगे किन किन reagents की जरूरत पड़ती है, step by step क्या procedure होता है, और last में बात करेंगे आप किस प्रकार से इसका calculation करेंगे। हम बात करेंगे available phosphorus analysis के लिए हमें किन किन reagents की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले जिन रिएजेंट की जरूरत पड़ती है वो है हमारा 0.5 मोलर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 42 ग्राम ऑफ NaH सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 वो ले लेंगे और इसका 1 लीटर का सॉल्यूशन बना लेंगे। आप 42 ग्राम क्यों लिया हमने, यहाँ पे हम पहले कैलकुलेट करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट। तो सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 एंड ऑक्सीजन का 16 × 3। तो जब ये हमने पूरा कैलकुलेट किया तो 48 प्लस 12 प्लस 1 प्लस 23 ये हो जाएगा हमारा 60, 61 एंड 71, 81 एंड 84। तो 84 वन नॉर्मल के लिए चाहिए और हमें बनाना है 0.5 मोलर, तो इसके लिए हाफ हो जाएगा इसका, 42 हमें चाहिए। तो ये 0.5 मोलर सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन बनाना है हमें। सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन 1 लीटर बनाने के बाद इसकी पीएच हम एडजस्ट करेंगे 8.5 के ऊपर। वेटनेपल एंड ऑल्सन ने जो मेथड दिया था, वेटनेपल एंड ऑल्सन इसने 1965 के अंदर एक मेथड दिया था जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड का यूज किया जाता है अवेलेबल फास्फोरस के लिए, अवेलेबल पी के लिए। तो इसमें जो सॉल्यूशन बनाया जाता है उसमें क्या होता है, वो सॉल्यूशन होता है हमारा मोलिब्डेट टार्ट्रेट सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं,
12 ग्राम्स ऑफ अमोनियम मोलिब्डेनेट एक 500 ml के बीकर में लेते हैं, बीकर 500 ml का, और फिर उसके अंदर 12 ग्राम लेकर के और इसमें हम 250 ml वाटर डाल देते हैं। 12 ग्राम्स ऑफ अमोनियम मोलिब्डेनेट लेके 250 ml वाटर डालते हैं, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन ए। एंड देन 0.291 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम एंटीमनी टार्ट्रेट, पोटेशियम जो टार्ट्रेट की मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज द पोटेशियम एंटीमनी टार्ट्रेट, ये लेते हैं हम 250 ml के बीकर में, और उसके बाद में इसमें डालते हैं हम 100 ml डिस्टिल्ड वाटर। तो ये सॉल्यूशन बी हो गया। उसके बाद में आप प्रिपेयर करेंगे 5 नॉर्मल H2SO4। 5 नॉर्मल H2SO4 के लिए आप क्या करेंगे, 140 ml ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है वो 1 लीटर के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे और उसके बाद वॉल्यूम बैकअप कर लेंगे। तो तीन सॉल्यूशन हो गया आपके पास में, सॉल्यूशन ए दैट इज द अमोनियम मोलिब्डेनेट, सॉल्यूशन बी दैट इज द योर पोटेशियम एंटीमनी टार्ट्रेट सॉल्यूशन, एंड देन थर्ड वन इज योर 5 नॉर्मल H2SO4। अब एक 2 लीटर का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेंगे, 2 लीटर ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेंगे, और 2 लीटर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन ए को और बी को डालेंगे, और उसके बाद में 1 लीटर डालेंगे आप H2SO4, और उसके बाद में ये जो वॉल्यूम है वो 2 लीटर में कम कर देंगे। और इसके बाद में अब आपको चाहिए होता है एस्कॉर्बिक एसिड, जैसा मैंने बताया आपको, तो एस्कॉर्बिक एसिड के लिए आप क्या करेंगे, 1.056 ग्राम्स ऑफ योर एस्कॉर्बिक एसिड ये लेंगे, और इसमें आप डाल देंगे 200 ml ऑफ योर जो मोलिब्डेनेट टार्ट्रेट सॉल्यूशन जो आपने बनाया था, ये डालेंगे 200 ml। तो ये जो एस्कॉर्बिक एसिड है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपको हमेशा फ्रेश प्रिपेयर करना है, फ्रेश ही बनाना है, जब आपको रीडिंग लेनी है उसी टाइम पे इसको प्रिपेयर करना है। इसके अलावा और जो रिएजेंट चाहिए होते हैं वो हमें चाहिए होता है पी नाइट्रोफिनोल, जो मैंने बताया था आपको कि येलो कलर देगा, और जो एसिड आपने बनाई है हमें बनाना है फॉस्फोरस का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लेंगे 0.439 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, इसे आप सबसे पहले एक घंटे के लिए ओवन ड्राई करेंगे 60 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसे 1 लीटर के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में लेंगे और 500 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर ऐड कर देंगे। उसके बाद उसमें आप डालेंगे 25 ml ऑफ 7 नॉर्मल H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, और उसके बाद में आप इसका 1000 ml वॉल्यूम बैकअप कर लेंगे। तो ये जो सॉल्यूशन होगा ये होगा हमारा 100 मिलीग्राम फॉस्फोरस पर लीटर का स्टॉक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, और इस स्टॉक सॉल्यूशन से आपको बनाना है एक वर्किंग सॉल्यूशन जो कि 2 मिलीग्राम फॉस्फोरस पर लीटर का होना है। इस ये बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मूला आता है N1B1 = N2B2, यानी कि N इज द नॉर्मलिटी, B इज द वॉल्यूम। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, N1 आपके पास है यानी कि 100 ml का स्टॉक सॉल्यूशन आपके पास है, N2 यानी कि आपको 2 ml का बनाना है, कितने में बनाना है, सपोज हम 100 ml के अंदर बना रहे हैं, तो इसमें आप क्या करोगे, देखिए यहाँ पे 2 × 100 / 100, सो इट विल बी 2 ml, यानी कि जो स्टॉक सॉल्यूशन आपका 100 मिलीग्राम पी पर लीटर का जो फॉस्फोरस पर लीटर का जो आपका स्टॉक सॉल्यूशन था, उससे आप 2 ml पिपेट आउट करेंगे और फिर इसको 100 ml में वॉल्यूमेट्रिक 100 ml के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर ले लेंगे और वॉल्यूम मेकअप कर लेंगे। इस जो 2 mg का जो आपने 2 मिलीग्राम का जो वर्किंग सॉल्यूशन बनाया है, इससे आप 0.5, 1, 1.5, 2 and 2.5 ml पी जो है पिपेट आउट करेंगे पिपेट की सहायता से 25 ml के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर। एंड देन ये लेने के बाद में आप वही प्रोसीजर दोहराएंगे, इसमें 10 ml आप डिस्टिल वाटर ऐड कर लेंगे, फिर नाइट्रोफिनोल डालेंगे, नाइट्रोफिनोल डालने से येलो हो जाएगा, फिर ड्रॉप बाई ड्रॉप आप इसके अंदर 5 नॉर्मल H2SO4 डालेंगे, जहां कलर डिसअपीयर हो जाएगा वहां पे आप रुक जाएंगे, और फिर इसके बाद इसका एस्कॉर्बिक एसिड 4 ml एस्कॉर्बिक एसिड डाल करके इसका 25 ml वॉल्यूम मेकअप कर लेंगे, और फिर इसकी वही 730 नैनोमीटर पर आप रीडिंग ले लेंगे। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड प्रिपरेशन, आप इस प्रकार से करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे अवेलेबल फॉस्फोरस एनालिसिस के लिए स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। तो प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आप 2.5 ग्राम सॉइल वे करेंगे और उसे ट्रांसफर कर लेंगे 100 ml कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे ये पिंच ऑफ चारकोल ऐड करेंगे। चारकोल ऐड करने का जो हमारा रीजन है वो ये है कि जो भी कलरिंग एजेंट्स हैं आपके इसके अंदर सॉइल के अंदर कलरिंग एजेंट्स, इन कलरिंग एजेंट्स को ये डिस्पर्स कर देता है यानी कि उनको बिखेर देता है, ताकि जो फॉल्स कलर है वो आपके सॉल्यूशन के अंदर नहीं आएगा। पिंच ऑफ चारकोल ऐड करने के बाद में आप इसमें ऐड करेंगे 50 ml ऑफ 0.5 मोलर
NaHCO3 सॉल्यूशन यानी कि 0.5 मोलर सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। इसके बाद में आप इसको सेक करेंगे, सेक इट फॉर 30 मिनट्स, हाफ एन आवर के लिए सेक करिए। सेक करने के बाद में फिल्टर इट विद वर्टमान नंबर 42 फिल्टर पेपर, 42 फिल्टर पेपर की सहायता से फिल्टर कर लेंगे। उसके बाद में जो भी ये सॉल्यूशन आया आपका, इससे आप लेंगे 5 ml हेलिकॉट, ये आप ट्रांसफर करेंगे 25 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि ये जो हमारा हेलिकॉट आपने लिया, इसको मीजर करने के टाइम पे इसकी पीएच होनी चाहिए 5.0 पर। पीएच ऑफ आवर हेलिकॉट जो है वो 5.0 पर होनी चाहिए। तो ये पीएच 5.0 पर लाने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें एक ड्रॉप जो है, वन ड्रॉप एड करेंगे आपका नाइट्रोफिनोल का, नाइट्रोफिनोल की एक ड्रॉप एड करेंगे तो यहाँ पे येलो कलर आ जाएगा, येलो कलर आ जाएगा। ये येलो कलर आने के बाद आप इसमें क्या करेंगे, ड्रॉप बाई ड्रॉप आप ऐड करेंगे 5 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉप बाई ड्रॉप ऐड करेंगे आप, और इसको हाथों से सेक करते जाएंगे। तो जिस जगह पर जाकर के ये येलो कलर डिसअपियर हो जाएगा, वही वहां जाकर के आपके ये जो सॉल्यूशन लिया हेलिकॉट आपने, उसकी पीएच जो है वो 5 पर आ जाती है। यहां पीएच 5 आने के बाद आप इसमें ऐड करेंगे 10 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर ऐड करेंगे 10 ml, और उसके बाद आप ऐड करेंगे, फिर उसके बाद में इसको आप जो है इसमें ऐड करेंगे 4 ml एस्कॉर्बिक एसिड, जो सॉल्यूशन हमने बनाया था एस्कॉर्बिक एसिड सॉल्यूशन, इसमें 4 ml हम ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद में इसका वॉल्यूम जो है वो हम मेकअप कर लेंगे, वॉल्यूम मेकअप करेंगे हम 25 ml। जैसे ही वॉल्यूम मेकअप करते हैं हम, हमारे यहाँ पे इसमें सॉल्यूशन के अंदर ब्लू कलर डेवलप हो जाएगा, ब्लू कलर आ जाएगा, और इस ब्लू कलर की जो इंटेंसिटी है वो हम 730 नैनोमीटर पर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से क्या जो ब्लू कलर की जो इंटेंसिटी है वो मिलाते हैं कैलकुलेशन के ऊपर कि आप किस प्रकार से इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूला है आपका वो है अवेलेबल फॉस्फोरस इन किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इज इक्वल टू Q into V into 2.24 into 10 to the power 6 divided by your A into S into 10 to the power 6। ये आपका फास्फोरस का कैलकुलेशन का फॉर्मूला है। अब यदि हम इसको सिंपली आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 10 जो है इस 10 से चला जाएगा, तो ये हो जाएगा Q into V into 2.24 into A into S। एक एक करके हम लिखेंगे Q is equal to your माइक्रोग्राम पी, क्वांटिटी ऑफ फॉस्फोरस इन माइक्रोग्राम, जो कि आपके उसमें रीड आउट होगी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर, जो रीड आउट होगी, ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर रीड आउट होगी। वी जो है वो वॉल्यूम कितना यूज किया हमने एक्सट्रैक्शन के लिए आपने जितना वॉल्यूम यूज किया, और उसके बाद में ए जो है वो हमारा हेलिकॉट का वॉल्यूम, यानी कि हमने 5 ml हेलिकॉट लिया, 5 ml हेलिकॉट लिया था, उसकी रीडिंग आ जाएगी। और लास्ट में आता है हमारा S, S इज द वेट ऑफ सॉइल सैंपल, वेट ऑफ सॉइल सैंपल। तो ये आपकी कैलकुलेशन होगी Q into V into 2.24 divided by A into S, that is Q is the microgram phosphorus in your reading, then V is the volume which was taken and 5 ml अपने दिया था, then A जो है हमारा हेलिकॉट हो गया, S is the weight of soil sample। अब इसमें क्या करते हैं हम, कई बार जो हमारे कई स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स में तो डायरेक्ट कंसंट्रेशन भी आ जाती है, कई स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स के अंदर एब्जॉर्बेंस आता है, तो इसमें आप क्या करोगे, किस प्रकार से एक ग्राफ प्लॉट करोगे, तो एक तरफ ले लेंगे आप 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3 and so on। ये क्या है, जो वॉल्यूम आपने दिया था हेलिकॉट का, और यहां आ जाएगी जो रीडिंग एब्जॉर्बेंस की ABS, और ये आगे आपका कंसंट्रेशन, ये आपकी जो है वहां से आपने जो ली थी, तो इस पे आप एब्जॉर्बेंस पे वो कर लेंगे कितना एब्जॉर्बेंस, जो भी एब्जॉर्बेंस 0 से लेकर के जहां तक आपका एब्जॉर्बेंस 0.5 तक जो भी एब्जॉर्बेंस आएगा, तो इससे आप एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये ग्राफ प्लॉट करने के बाद में यहां आपको एक इक्वेशन आ जाएगी, उस इक्वेशन से आपकी कंसंट्रेशन निकल के आ जाएगी, तो उस कंसंट्रेशन के आधार पर आप अपने सभी सैंपल्स की जो है वो रीडिंग लेंगे। ये था हमारा आज का वीडियो,
जिसमें हमने आपको अवेलेबल फास्फोरस के लिए किन किन रिएजेंट्स की जरूरत पड़ती है, स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस का क्या प्रोसीजर होता है, उसके बाद हमने आपको बताया कि किस प्रकार से आप अवेलेबल फास्फोरस की कैलकुलेशन करेंगे। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।